स्टैंडर्ड लिमिट का एक और एग्जांपल करते हैं, उसके बाद में पढ़ेंगे प्रॉपर्टी लिमिट की। जैसे आपको दे रखा है एग्जांपल, पार्ट 8 के अंदर आप क्या पढ़ेंगे, एक एग्जांपल करते हैं स्टैंडर्ड लिमिट का, उसके बाद में प्रॉपर्टी लिमिट्स की प्रॉपर्टी। जैसे आपको एग्जांपल दे रखा है x की पावर लिमिट x टेंस टू वन x की पावर 4 माइनस 1 अपॉन x माइनस 1 इज इक्वल टू दे रखा आपको लिमिट x टेंस टू k x क्यूब माइनस k क्यूब अपॉन x स्क्वायर माइनस k स्क्वायर। आपको क्या दे रखा है, लिमिट x टेंस टू 1 x की पावर 4 माइनस 1 अपॉन x माइनस 1 और बराबर किसके दे रखा है, इज इक्वल टू किसके दे रखा है, लिमिट x टेंस टू k x की पावर 3 अपॉन सॉरी x की पावर 3 माइनस k की पावर 3 अपॉन x स्क्वायर माइनस k स्क्वायर, ये दे रखा है। और आपको किसकी वैल्यू याद करनी है, k की। फाइंड द वैल्यू ऑफ k। तो आपको पता है लिमिट x टेंस टू a x की पावर n माइनस a की पावर n अपॉन x माइनस a क्या होता है, n a की पावर n माइनस 1। ध्यान से देखिए x की पावर 4 माइनस 1, अगर मैं यहां सॉल्यूशन कुछ इस प्रकार होगा, ध्यान से देखिए क्या लिखा हुआ है, लिमिट x टेंस टू 1 x की पावर 4 और माइनस 1 की पावर 4 ऐसे लिख रहा हूं मैं इसको अपॉन x माइनस 1। ये 1 की पावर 4 मैंने क्यों लिखा, क्योंकि 1 की पावर अगर आप 4 कर दो 5 कर दो कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है, 5, 6, 7 1 ही आएगा। और मैंने 4 क्यों किया, क्योंकि x की पावर n माइनस a की पावर n, हमें क्या चाहिए x की पावर n माइनस a की पावर n, इसलिए मैंने यहाँ 1 की पावर कितनी लिखी 4, क्यों x की पावर n माइनस a की पावर n। और आपको अपॉन में क्या दे रखा है x माइनस a, और ये क्या होता है n a की पावर n माइनस 1, क्या होता है एक n a की पावर n माइनस 1, n आपको क्या दिख रहा है साफ साफ क्या दिख रहा है 4, तो ये क्या है 4 और a क्या दिख रहा है x माइनस a होता है, ये होता है x माइनस a, यानी a की वैल्यू कितनी है 1 और n n की वैल्यू कितनी है 4 माइनस 1। तो यहाँ कितना आया 4 इंटू 1 क्यूब इज इक्वल टू 4, 1 का क्यूब 1 और 1 इंटू 4 कितना हुआ 4। अब बात करते हैं इस पार्ट की, ये कह रहा है कि ये और ये क्या है बराबर, तो आपको पॉसिबल वैल्यू ज्ञात करनी है k की, कि k क्या हो सकता है, k की वैल्यू क्या होगी। तो सबसे पहले आपने क्या किया, x की पावर 4 माइनस 1 x की पावर 4 माइनस 1 अपॉन x माइनस 1 लिखा हुआ है, ठीक है। अब x की पावर 4 माइनस 1 लिखा हुआ है, तो इसको मैं लिखूं x की पावर 4 माइनस 1 की पावर 4 लिख सकता हूं, क्यों, क्योंकि 1 की पावर अगर आप 4 करोगे तो कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है, 1 की पावर 4 इज 1। और मैंने ये इसलिए लिखा क्योंकि x की पावर n माइनस a की पावर n अपॉन x माइनस a इज इक्वल टू क्या होता है n a की पावर n माइनस 1, इसलिए मैंने ये लिखा। अब आपको पता है x की पावर लिमिट x टेंस टू a और a की वैल्यू आपको कितनी देर की है 1, x की पावर n माइनस a की पावर n अपॉन x माइनस a, लिमिट x टेंस टू a x की पावर n माइनस a की पावर n अपॉन x माइनस a क्या होता है n a की पावर n माइनस 1, क्या होता है n a की पावर n माइनस 1। तो n आपका क्या है 4, n की वैल्यू कितनी देर की है 4, तो मैंने क्या लिखा 4, a की वैल्यू x माइनस a होता है, a की वैल्यू कितनी देर की है 1, तो मैंने कितना लिखा 1, n माइनस वन n कितना 4, 4 माइनस 1 यानी 3, तो 4 इंटू 1 क्यूब, 1 क्यूब इज 1, तो 4 इंटू 1 कितना हुआ 4। अब बात करते हैं इसकी, ये कह रहा है ये और ये क्या है बराबर, तो आपको k की वैल्यू ज्ञात करनी है, तो k की वैल्यू ज्ञात करनी है इसलिए इसको सोल्व करते हैं।
ये कह रहा है लिमिट x टेंस टू k, लिमिट x टेंस टू k x क्यूब माइनस k क्यूब अपॉन x स्क्वायर माइनस k स्क्वायर, क्या दे रखा है आपको, x क्यूब माइनस k क्यूब अपॉन x स्क्वायर माइनस k स्क्वायर। अब आपको क्या चाहिए, अगर आपको x की पावर n माइनस a की पावर n वाला फॉर्मूला अप्लाई करें तो आपको अपॉन में क्या चाहिए, x माइनस k, x माइनस k, x माइनस k। तो मैं क्या कर रहा हूँ, लिमिट x टेंस टू k x क्यूब माइनस k क्यूब अपॉन x माइनस k, ये लिखा मैंने, क्यों, x क्यूब माइनस k क्यूब अपॉन x माइनस k, x की पावर n माइनस a की पावर n अपॉन x माइनस a। ऐसा ही मैं यहाँ कर देता हूँ डिनोमिनेटर में, तो यहाँ क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस के स्क्वायर अपॉन एक्स माइनस के। अब मैंने डिवाइड क्यों किया ये एक्स माइनस के से एक्स माइनस के, ये तो एक्स माइनस के से कैंसिल आउट हुआ, तो सेम टर्म आपको क्या बचेगा, एक्स क्यूब माइनस के क्यूब अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस के स्क्वायर। और मैंने डिवाइड क्यों किया, क्योंकि आपको पता है एक्स क्यूब एक्स की पावर एन माइनस ए की पावर एन अपॉन एक्स माइनस ए क्या होता है, एन ए की पावर एन, इसलिए क्या किया, डिवाइड किया। तो यहाँ क्या आया, यहाँ क्या आया, n, n की वैल्यू कितनी, n की वैल्यू कितनी, 3, और n a, a कितना, x माइनस a, x माइनस a, x माइनस a, a कितना k, तो a कितना k, n माइनस 1, n माइनस 1, तो n माइनस 1, n कितना, एन थ्री माइनस वन अपॉन कितना आया, एक्स की पावर एन माइनस ए की पावर एन, एक्स की पावर एन माइनस ए की पावर एन अपॉन एक्स माइनस के, लिमिट एक्स टेंस टू के। और ये क्या होता है, एक्स माइनस के और एन की वैल्यू कितनी, टू, तो एन और ए की वैल्यू कितनी, ऐसे ही तो लिखते हैं एन ए की पावर एन माइनस वन, एन की वैल्यू दे रखी है आपको टू, तो टू एन माइनस वन, सॉरी लिखते हैं एन ए की पावर एन माइनस वन, एन की वैल्यू आपको दे रखी है टू, ए की वैल्यू एक्स माइनस के, और वहां क्या होता है एक्स माइनस ए, इसका मतलब क्या हुआ कि आपको ए की वैल्यू कितनी दे रखी है के, तो टू के n माइनस वन, और पावर क्या होती है n माइनस वन, और n की वैल्यू आपको साफ साफ दिख रही है यहाँ 2 माइनस वन, तो यहाँ क्या लिखूंगा मैं 2 माइनस वन, क्यों, क्योंकि n की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है डिनोमिनेटर में 2, तो यहाँ क्या आया 3 k स्क्वायर अपॉन 3 माइनस वन कितना आया 2, तो यहाँ k स्क्वायर बचा, और 2 k और 2 माइनस वन कितना 1, तो यहाँ ओनली क्या बचा k, अब एक पावर से एक कैंसिल, तो यहाँ क्या आया 3/2k, क्या आया 3/2k। अब ये कह रहा है ये और ये क्या है बराबर है, ये और ये क्या है बराबर है, इसलिए आपको क्या करना है, यहाँ 4 और ये दोनों इक्वल है, इसलिए आपको क्या क्या लिखना है, यहाँ क्या आया 4 और यहाँ क्या आया 3/2k, 3/2k, और इसमें आपको साफ साफ लिख रखा है कि ये दोनों क्या है इक्वल है, इसलिए आप वैल्यू फाइंड आउट करके क्या कर दिया, दोनों को इक्वल कर दिया, तो यहाँ तो वैल्यू आई आपके पास 4, यहाँ आई 3/2k, तो यहाँ k की वैल्यू कितनी आई, इसको इस तरफ मल्टीप्लाई हुआ ये 8 = 3k, और k कितना आया 8/3, k की वैल्यू कितनी आई, k की वैल्यू कितनी आई 8/3, तो k इज इक्वल टू 8/3। चलिए एक बार और समझते हैं, आपको क्या दे रखा है, लिमिट x टेंस टू 1 x की पावर 4 माइनस 1 अपॉन x माइनस 1, क्या दे रखा है, लिमिट x टेंस टू 1 x की पावर 4 माइनस 1 अपॉन x माइनस 1 इज इक्वल टू किसके दे रखा है, लिमिट x टेंस टू k, लिमिट x टेंस टू k x क्यूब माइनस k क्यूब अपॉन x स्क्वायर माइनस k स्क्वायर, तो
ये कह रहा है कि ये दोनों क्या है, ये दोनों क्या है बराबर है, ये दोनों क्या है इक्वल है या बराबर है, तो आपको क्या करना है k की वैल्यू क्या है ज्ञात करनी है। तो कैसे करोगे, आपको पता है x की पावर n माइनस a की पावर n अपॉन x माइनस a, लिमिट x टेंस टू a, x की पावर n माइनस a की पावर n अपॉन x माइनस a कितना होता है n a की पावर n माइनस 1, यस और नॉट। अब अगर आप ध्यान से यहाँ देखो x की पावर 4 माइनस 1, x की पावर 4 माइनस 1, बट अगर मैं यहाँ पावर 4 लिख दूँ तो ये क्या नज़र आ रहा है आपको, x की पावर n माइनस a की पावर n। और मैंने ये क्यों लिखा, क्योंकि मुझे इसका क्या है स्टैंडर्ड रिजल्ट याद है डायरेक्ट, कि x की पावर n माइनस a की पावर n अपॉन x माइनस a, लिमिट x टेंस टू a क्या होता है n a की पावर n माइनस 1, और 1 की पावर अगर मैं 4 कर दूं तो कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं, क्योंकि 1 की पावर चाहे आप कितनी भी करो 1 ही रहेगा। तो इससे मैंने इसकी वैल्यू ज्ञात करी यहाँ, तो क्या लिखा मैंने n a की पावर n माइनस 1, क्या लिखते हैं n a की पावर n माइनस 1, और n आपके पास क्या है 4, n आपके पास क्या है 4, मैंने लिखा 4, a क्या है x माइनस a, यही तो लिखते हैं x माइनस a, क्या लिखते हैं x माइनस a, a आपको क्या दिख रहा है 1, तो मैंने क्या लिखा 1, n माइनस 1, n आपको क्या दिख रहा है 4, n क्या दिख रहा है 4, तो 4 माइनस 1, तो 4 इंटू 4 माइनस 1 कितना हुआ 3, और 1 क्यूब कितना हुआ 1, तो 4 इंटू 1 कितना हुआ 4, तो यहाँ से कितनी वैल्यू आई 4। और ये कह रहा है ये किसके इक्वल है, इसके इक्वल है लिमिट x टेंस टू k, लिमिट x टेंस टू k। फिर हमने क्या किया, लिमिट x टेंस टू k, अब x क्यूब माइनस k क्यूब, x क्यूब माइनस k क्यूब, और आपको अपॉन में क्या चाहिए x माइनस k, तभी तो आप वो फॉर्मूला लगा सकते हो x की पावर n माइनस a की पावर n, यस और नोट। तो आपको अपॉन में क्या चाहिए x माइनस k, इसलिए मैंने क्या कर दिया x माइनस k से डिवाइड कर दिया यहाँ भी और यहाँ भी, न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों में क्या कर दिया डिवाइड कर दिया। तब आपको यहाँ क्या नज़र आ रहा है साफ साफ कि x की पावर n माइनस a की पावर n अपॉन x माइनस a, आपको क्या नज़र आ रहा है x की पावर n माइनस a की पावर n अपॉन x माइनस a, और a की वैल्यू आपको क्या दिख x माइनस a लिख दें, क्या लिखते हैं x माइनस a, और a की वैल्यू कितनी दिख रही है k, तो मैंने क्या लिखा लिखते हैं हम n a की पावर n माइनस 1, क्या लिखते हैं n a की पावर n माइनस 1, और n की वैल्यू आपको क्या दिख रही है n की वैल्यू कितनी दिख रही है आपको 3, तो मैंने लिखा 3, और k n a लिखते हैं n a की पावर n माइनस 1 लिखते हैं, a की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है k, तो k लिखा मैंने, और n n की वैल्यू कितनी 3, तो 3 माइनस 1 n माइनस 1 करते हैं। उसके बाद में क्या है यहाँ भी डिनोमिनेटर में भी ये कर सकता हूँ मैं कि x की पावर n माइनस a की पावर n अपॉन x माइनस k, तो n आपको क्या नज़र आ रहा है यहाँ 2, तो क्या लिखते हैं n a की पावर n माइनस 1, तो n कितना 2, k क्या a, n a की पावर n माइनस 1, तो x माइनस a, और a की वैल्यू कितनी k, इसलिए मैंने k और 2 माइनस 1 n माइनस 1, तो यहाँ से आपके पास क्या आया 3 माइनस 1, तो यहाँ बचा k स्क्वायर, और 2 माइनस 1 यहाँ बचा k स्क्वायर से एक कैंसिल पावर, यहाँ बचा आपका 3 बाई 2 k। और ये कह रहा है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या कह रहा है कि ये दोनों इक्वल है, तो इसकी वैल्यू अपने पास आई थी 4, और इसकी वैल्यू कितनी आई 3 बाई 2 के, और दोनों को क्या कर दिया इक्वल कर दिया, तो k की पॉसिबल वैल्यू क्या आ रही है 8 बाई 3, k की पॉसिबल वैल्यू कितनी आ रही है 8 बाई 3। अब लिमिट की कुछ प्रॉपर्टी है वो पढ़ते हैं,
प्रॉपर्टीज ऑफ लिमिट्स। तो लिमिट्स की क्या प्रॉपर्टी होती है, जैसे आपको दे रखा लिमिट एक्स टेंस टू ए, लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ प्लस माइनस जी और एक्स, तब आप इसको कैसे हल कर सकते हो, आप ऐसे लिख सकते हो इसको लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ ऑफ एक्स और प्लस माइनस लिमिट एक्स टेंस टू ए और ये जी एक्स। मतलब क्या हुआ, अगर आपको प्लस या माइनस में दे रखा है लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ ऑफ प्लस माइनस जी एक्स और एक्स दे रखा है, तो आप अलग अलग लिमिट फाइंड आउट कर सकते हो उनकी, अलग अलग लिमिट फाइंड आउट कर सकते हो। सेकंड, अगर आपको लिमिट एक्स टेंस टू ए, लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ इंटू जी एक्स अगर ऐसे दे रखा है, क्या लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ इंटू जी और एक्स अगर मल्टीप्लाई दे रखा है ऐसे, तो आप कैसे करोगे, लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ एक्स और इंटू लिमिट एक्स टेंस टू ए और जी एक्स, यानी अगर आपको मल्टीप्लाई के अंदर दे रखा है तो आप अलग अलग निकाल सकते हो। कैसे, लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ एक्स डॉट लिमिट एक्स टेंस टू ए जी एक्स, अगर आपको ऐसे दे रखा है लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ ओ अपॉन जी और एक्स, एफ अपॉन जी और एक्स, तो इसको कैसे करोगे, लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ एक्स अपॉन लिमिट एक्स टेंस टू ए जी एक्स, और जी एक्स क्या नॉट इक्वल टू जीरो। अब आपको पता चल गया होगा कि जी एक्स नॉट इक्वल टू जीरो क्यों, क्योंकि मैंने आपको लिमिट चैप्टर में बोला था कि आपका डिनोमिनेटर है वो कभी जीरो नहीं होना चाहिए, इसीलिए क्या है जी एक्स कभी जीरो नहीं हो सकता। जैसे ही अगर जी एक्स जीरो हो गया तो यहाँ क्या हुआ कि आपका डिनोमिनेटर जीरो हो गया, और डिनोमिनेटर जीरो होते ही फंक्शन अनडिफाइन हो गया, अनडिफाइन होते ही कौन सी फॉर्म में चला गया, इनडिटर्मिनेट फॉर्म में, इसलिए हम यहाँ जी एक्स नॉट इक्वल टू जीरो। इसी प्रकार आपको कोई कॉन्स्टेंट दे रखा है तो लिमिट से क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा। कैसे, जैसे लिमिट एक्स टेंस टू ए के एफ ऑफ एक्स, ये के कोई क्या है, कॉन्स्टेंट है, तब आप इसको कैसे फाइंड आउट करोगे, लिमिट एक्स टेंस टू ए के बाहर आ गया और ये एफ ऑफ एक्स। ये तो कुछ प्रॉपर्टीज की बात हुई, नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे नॉन एल्जेब्रिक लिमिट, कौन सी लिमिट, नॉन एल्जेब्रिक लिमिट। थैंक यू वेरी मच। इंटरनेट पढ़ाई पर कंप्लीट कोर्स बिल्कुल फ्री और सबसे पहले पाने के लिए इंटरनेट पढ़ाई को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें।